सर जो उनके ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आपके साथ फिर लेके आया हूँ 20 क्वेश्चन की सीरीज, जो भी मैंने इसके पहले एक वीडियो और डाला था। अगर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा, जिससे आप उस वीडियो पर डायरेक्ट पहुँच सकते हो। उसमें मैंने कुल टोटल 90 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसके बाद मैं आज फिर एक और वीडियो लेके आऊँ, जिसमें मैं 20 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि जे के फ्लिप फ्लॉप किसी टर्मिनल को यदि किसी जे डी जे के फ्लिप फ्लॉप के किसी एक टर्मिनल को इन्वर्ट करके दूसरे में इनपुट दे दिया जाए तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन जाए। तो सबसे पहले इसके लिए मैं जे के फ्लिप फ्लॉप की टेबल बना लेता हूँ। तो जे के फ्लिप फ्लॉप की जो टेबल है उसमें दो इनपुट होते हैं, एक जे के, और आउटपुट में मान लेता हूँ मेरे को क्यू एन प्लस वन लगता है। तो जब इसके दोनों इनपुट को जीरो जीरो देते हैं तो हमें यहाँ पे क्यू एन मिलता है, तथा जब इसको हम जीरो वन देते हैं तो जीरो मिलता है, और जब हम इसको 1 0 देते हैं तो 1 मिलता है, और जब हम इसको 1 और 1 देते हैं तो वापस से हमको क्या मिलता है, क्यू एन प्लस 1 मिलता है। तो इस टाइप से यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप की टेबल होती है। इसके लिए हम फिर यदि जे के टर्मिनल के दो पर को इन्वर्ट कर, यानी कि ये अगर ये कोई जे के किन्हीं भी दो टर्मिनल को इन्वर्ट करने पर, यानी यहाँ पर एक ये जे के फ्लिप फ्लॉप बना है, इसके में एक टर्मिनल ये मान लो यहाँ पर ये है, ये मान लो जे टर्मिनल है और ये के टर्मिनल है। यदि मैं इसके एक टर्मिनल को इन्वर्ट करके, यानी बीच में एक नॉट गेट को लगा के इसको यहाँ पे इनपुट दे दूँ, तो यहाँ पे मैं केवल क्या होगा, जो जे के फ्लिप फ्लॉप के जो तीन चार केस होते हैं, इसके केवल दो केस बचेंगे, एक जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन वाले केस में केवल हमारे पास दो केस बचेंगे। वो भी कौन से वाले, अगर इन्वर्ट करते हैं तो इनपुट या तो 0 1 या 1 0, यानी ये दो केस बस बचेंगे। यानी हम केवल क्या कर सकते हैं, इसको 0 1 या 1 0 देते हैं। तो इस टाइप से हमारे कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, तो इसका आंसर होता है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है डिले फ्लिप फ्लॉप। यदि हम किसी भी जे के फ्लिप फ्लॉप को 0 देंगे तो हमें इनपुट पर 0 1 में 0 मिलता है, 1 0 पे 0 मिल जाता है, यानी 0 1 0 पे 1 मिल जाता है। यानी यहाँ पर कि जब हम 0 1 या 1 0 देने पर इसके आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आता। तो इस टाइप का जो फ्लिप फ्लॉप है उसको डिले फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। यदि किसी तो इस प्रकार यदि किसी जे के टर्मिनल के किसी एक टर्मिनल को इन्वर्ट करके दूसरे टर्मिनल में इनपुट के रूप में दे दें, यानी जे के टे को इन्वर्ट करके हमने के को इनपुट में दे दिया, तो यहाँ से कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप। तो इसका सही आंसर होगा डी फ्लिप फ्लॉप। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि पीएमएमसी मीटर को एसी सप्लाई दी जाती है तो यह है नहीं तो यह है, तो ये क्या होता है, शून्य के पास दोलन करता है, होता कुछ नहीं है। पीएमसी मीटर हमारा एक बेसिकली एक डीसी मोटर होती है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी ये दो मैग्नेट है और बीच में क्या होता है कि यहाँ पे आर्मर रखा हुआ है, इसको आर्मर बोलते हैं, और यहीं से हमारा पॉइंटर कनेक्ट होता है। तो यदि हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं, तो जब इसको डीसी सप्लाई दी जाती है तो इसमें डीसी मोटर के जैसे एक टॉर्क लगता है और एक क्या होता है किसी भी डायरेक्शन मूव कर जाता है। लेकिन जब भी हम एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई में क्या होता है कि 50 एसी सप्लाई वेरिएबल होने के कारण इसके हर एक हाफ साइकिल में डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इस कारण ये एक बार तो आगे जाता है, उसके बाद ये पॉइंटर वापस पीछे आ जाता है, यानी क्या करते हैं, जीरो के पास बराबर आगे जाता है और वापस पीछे आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, शून्य के आसपास दोलन करने लगता था। तो यदि हम किसी भी पीएमसी मीटर के एसी पीएमसी मीटर को एसी सप्लाई देते हैं तो इसका जो पॉइंटर है वो शून्य के आसपास दोलन करने लगता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था स्टेपर मोटर का मुख्य गुण है। तो स्टेपर मोटर का मुख्य गुण होता है डिटेंट टॉर्क। डिटेंट टॉर्क का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी मोटर को, अगर मान लो यहाँ पे कोई मोटर है, उसने किसी लोड को यहाँ पे स्थिर करके रखा हुआ है, तो ये लोड वहीं पर स्थिर है, यदि हम मोटर को बंद ही कर रहे, यह क्या कहलाता है, डिटेंट टॉर्क कहलाता है। तो ये हमारा जो गुण है केवल किसमें मिलता है, स्टेपर मोटर में, यानी क्या करता है किसी भी लोड को या किसी भी जॉब को वहाँ पर होल्ड करके रखता है। यदि मोटर कहीं भी रुकी होगी, यदि मोटर को हम मान लो 30 डिग्री पे वो जॉब रखा है या कोई भी जो चीज़ें जो घूम रही है वो 30 डिग्री पे जाकर रुक जाती है, तो वो 30 डिग्री पे बनी रहेगी। तो ये स्टेपर मोटर का प्रमुख गुण होता है, जिसे हम बोलते हैं डिटेंट टॉर्क। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी मोटर में 50% से कम लोड है, उस स्थिति में सिंगल फेजिंग होती है तो मोटर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल फेजिंग मुख्यतः 3 फेज मोटर में होती है। जैसे 3 फेज मोटर में क्या होता है, 3 फेज दिए जाते हैं, ये 3 फेजों में से फर्स्ट आर वाई और बी में से किसी एक भी फेज क्या हो जाता है, चला जाता है, या एक ही फेज किसी तरीके से यहाँ से फ्यूज की वजह से, फ्यूज कट होने की वजह से एक फेज यहाँ पे नहीं रहता, तो इसको केवल क्या बोलते हैं, 2 फेज, यानी मोटर किस पर चलती है, केवल 2 फेजों पर, तो इसे हम सिंगल फेजिंग बोलते हैं। तो सिंगल फेजिंग के अलग अलग कंडीशन होती हैं। यदि सिंगल फेजिंग की दो कंडीशन होती है, एक होती है लोड पर और एक हो जाती है नो लोड पर, ठीक है। तो यदि लोड पे मोटर, तो लोड पे मोटर की दो कंडीशन होती है, यदि लोड क्या होता है 50% से कम है, और एक और होता है कि यदि लोड 50% से ज़्यादा है। तो यदि लोड 50% से कम होता है तो मोटर क्या होती है, चलती रहती है,
और यदि 50% ज़्यादा लोड है और पीक टाइम पे क्या होता है, सिंगल फेज एमओजी, तो मोटर क्या हो जाती है, जल जाती है। और यदि मोटर बंद है या नो लोड पर है उस टाइम पे, मोटर बंद स्थिति में उस तुरंत चालू होती टाइम सिंगल फेज एमओजी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मोटर भी जल जाती है। दो ही कंडीशन में क्या होती है, मोटर जल जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी मोटर 50% से कम लोड पर है और उस स्थिति में सिंगल फेज एमओजी, तो मोटर क्या होगी, तो इस स्थिति में क्या हो जाती है, मोटर चलती रहेगी। लेकिन मोटर क्या होती है, यहाँ पर लोड को नहीं झेल पाती। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी 101 और 10 का बाइनरी गुणनफल क्या होगा, तो सबसे पहले इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम इस 101 को क्या कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर ले। तो 101, तो 101, तो इसका डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसके ऊपर 1, 2 और 2 का डबल 4। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का तरीका बताया था। आप उस वीडियो को इसका डिस्क्रिप्शन में दी लिंक की सहायता से देख सकते हैं, जिससे आपको उसको और ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे लिए यहाँ पे मैंने 101 के ऊपर इस राइट हैंड साइड से नंबर लिखना चालू किया। वो भी क्या होती है, 2 के गुणनफल होते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ पे केवल 3 अंक इसलिए मैं क्या करूँगा, 1 और 2 और 4। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 4, यानी कि 4 के नीचे 1 लिखा है और उसके नीचे लिखा है, तो 101 का डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, 5। इसके बाद मैं देखता हूँ 10, तो 10 के लिए वापस 1, 2 लिखता, तो यहाँ पे केवल किसके नीचे 2 लिखा है, 1 लिखा है केवल 2 के नीचे, यानी इसका जो डेसिमल नंबर होगा 2 होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 और 2 का जो इंटू है वो आसानी से करके यहाँ पे क्या आ सकता है, 10। और इसके बाद मैं वापस क्या करूँगा, 10 को किस में कन्वर्ट कर लूँगा, बाइनरी में। तो 10 का बाइनरी नंबर लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 4 और फिर 4 में 2 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे 10 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 8 और 2 जुड़ने पर क्या बनता है, 10, 1010। तो यहाँ पे 10 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, 1010। तो यही इसका आंसर होगा, 101 को वो 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, 1010 आएगा, क्योंकि 10 को 101 को 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो 1010 आएगा। तो इस टाइप से आप किसी भी डेसिमल का जोड़ना घटाना कर सकते हैं बाइनरी नंबर का। सबसे पहले आप उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, और डेसिमल पर जो भी 2 डेसिमल नंबर को इंटू करके एक आपके लिए एक नया डेसिमल नंबर मिलेगा, उस डेसिमल नंबर का वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आपके लिए डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट की मैंने एक वीडियो डाली, आप मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन था, फील्ड सेचुरेशन के पश्चात डीसी मोटर का टॉर्क क्या होता है। नॉर्मली जो डीसी मोटर का टॉर्क होता है वो हो जाता है, जो डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 IA। लेकिन जब डीसी मोटर क्या, डीसी सीरीज मोटर क्या होती है, लेकिन डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, फील्ड सीरीज, डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, टॉर्क यानी फ्लक्स जो है वो ओनली करंट के I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 होता है। तो यहाँ पे हम जो टॉर्क का फॉर्मूला निकालते हैं वो लेगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA². लेकिन जब क्या होती है, फील्ड सेचुरेट हो जाती है, यानी फील्ड सेचुरेशन के पश्चात क्या हो जाता है कि यहाँ पर जैसे ही फील्ड सेचुरेटेड होती है, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक का, कि यहाँ पे क्या होता है कि ये इस टाइप से डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ तक तो क्या होता है कि ये मोटर क्या होती है, टॉर्क IA² का फॉर्मूला करती है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये IA है और यहाँ पे क्या है, टॉर्क, यानी टॉर्क करंट के स्क्वायर में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ देर बाद क्या हो जाता है, ये क्या होता है, फाई, यानी जब फ्लक्स फील्ड सेचुरेटेड होती है, यानी क्या हो जाता है, फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 IA में से, तो फाई क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट होने की वजह से यहाँ से हट जाएगा, तो केवल हमारे पास क्या बचता है, टॉर्क। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, IA। तो इसके बाद एक होता है सीधा चलने लगता है, यानी कि फील्ड का सेचुरेशन होना मतलब कि क्या होता है, किसी भी मैग्नेट की एक सेचुरेशन क्षमता होती है जहाँ तक वो मैग्नेटिज्म को धारण कर सकते, तो हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन। यदि हमारी फील्ड क्या होती है ज़्यादा सप्लाई नहीं, सेचुरेट हो जाती है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, ये जो टॉर्क वो क्या होने लगता है, धारा के सीधे समानुपाती हो जाता है। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि सामान्यतः व्यापारिक प्रयोगों के लिए डीसी जनरेटर बनाए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन आप आंसर याद रखें, इसका जो यूज होता है वो क्या होता है, डीसी कंपाउंड मोटर। इसका रीजन ये होता है कि हम डीसी कंपाउंड मोटर, मैनली कम्यूलेटर कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज नहीं किया जाता। डीसी कंपाउंड मोटर में क्या होता है, आर्मेचर, और आर्मेचर के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, एक शंट फील्ड भी होती है, साथ में एक सीरीज फील्ड भी होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीरीज फील्ड में एक रजिस्टर लगा के क्या कर सकते हैं, इसको बार बार सर्किट से हटा और जोड़ सकते हैं, जिस कारण क्या होता है, बार बार शंट जनरेटर भी बन सकता है, कंपाउंड जनरेटर भी बन सकता है। यदि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस शंट फील्ड को हटा दें, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने सीरीज जनरेटर में। इसलिए क्या होता है, मोस्ट जो कमर्शियल जनरेटर होते हैं वो मैनली कंपाउंड जनरेटर को डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सीरीज फील्ड को रेस्टोर की सहायता से एडजस्ट करके इसको शंट, या शंट को रेस्टोर फील्ड की सहायता से एडजस्ट करके इसको सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपनी यूज के हिसाब से इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द कमर्शियल जनरेशन कैसे बनाए जाते हैं, डीसी कंपाउंड जनरेटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि पीएमएमसी मीटर को विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या होगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सीरीज मोटर सबसे पहले क्या होता है, डीसी जो पीएमसी टाइप मीटर होते हैं वो एक सिंपल डीसी मोटर होती है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास दो परमानेंट मैग्नेट है, बीच में क्या हुआ है आर्मर रखा हुआ है। यदि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसमें फिक्स होता है कि ये प्लस मान लेते हैं, यहाँ पे माइनस होते हैं, आर्मर से दो टर्मिनल निकले होते हैं। यदि मैं प्लस से माइनस जोड़ता हूँ, प्लस को प्लस से माइनस को माइनस जोड़ता हूँ डीसी सप्लाई के, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यदि करंट की डायरेक्शन यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं मान लेता हूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण इसका जो टॉर्क है वो किस साइड लगेगा, ऊपर के साइड लगता है। लेकिन अगर जैसे ही मैं प्लस को माइनस या माइनस को प्लस से चेंज कर देता हूँ, यानी क्या करता हूँ पोलरिटी को चेंज करता हूँ, यानी यहाँ पे माइनस देना था वहाँ मैंने क्या कर दिया, डीसी सप्लाई का प्लस दे दिया और प्लस की जगह पे दे दिया माइनस दे दिया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से करंट की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। यदि करंट की डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं तो यहाँ ना करंट अब क्या होगा, ऊपर के साइड जाने लगेगा, और जैसे ही करंट ऊपर के साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जो उसके घूमने की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन ना होगा, क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, जीरो रीडिंग मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे मीटर का पैमाना होता है वो कैसा बना होता है, इस टाइप से, यानी हमारे ये मीटर का स्केल है और यहाँ पे क्या होता है एक पॉइंट लगा होता है, जिसके बाद से मीटर क्या होता है वापस ये जो इसका पॉइंटर है वो नीचे नहीं जा सकता। यानी अगर देखो, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लगता है तो ये मीटर का जो पॉइंटर वो साइड तो चला जाएगा, लेकिन अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ तो क्या होता है ये इससे इस पार नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जीरो। तो उस कंडीशन हमको लगता है कि करंट जीरो आ रहा है, लेकिन अगर हम पोलैरिटी चेंज करते हैं तो करंट आता है, लेकिन वो विपरीत दिशा में टॉर्क लगने के कारण हमें मीटर के स्केल पर वो शो नहीं करता। इसलिए क्या होता है, अगर पीएमसी मीटर की ध्रुवता यानी कि प्लस को माइनस या माइनस को प्लस से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो हमारे लिए स्केल पर शून्य रीडिंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद आता है किसी भी मैग्नेटिक पदार्थ का चुंबकीय गुण कैसे पैदा होता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन के कक्षीय और अक्षीय गति के कारण, इन दोनों के कारण क्या होता है, किसी भी पदार्थ में चुंबक का गुण पैदा होता है। किसी भी देखो, अगर इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना क्या होता है, करंट जनरेट होता है, तो करंट जनरेट होने के कारण क्या होता है कि मैग्नेट का गुण आता है। तो किसी भी जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, ये मैं मान लेता हूँ नाभिक है और इसके आसपास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर यानी कि अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और साथ साथ इसमें तो ये इसको जब वो अपने अक्ष पर घूमते हैं उसको हम बोलते हैं अक्षीय गति, और जब ये अपनी कक्षा यानी कि इस नाभिक के चक्कर लगाने की कक्षा में घूमते हैं उसको बोलते हैं कक्षीय गति। ये पूरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पृथ्वी जैसे गति करते हैं अपने अक्ष पर, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, साथ साथ सूर्य के चक्कर भी लगाते हैं, जिसको हम अक्षीय और कक्षीय गति कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो यहाँ से क्या होता है, करंट फ्लो होना चालू होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक गुण जनरेट होता है। तो किसी भी मैग्नेटिक पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वो कितना जनरेट होता है, उसके इलेक्ट्रॉन की अक्षीय और कक्षीय गति के कारण। इसके बाद आ रहा है कि सीरीज रेजोनेंट परिपथ के लिए धारा का मान अधिकतम बूझने के बाद रेजोनेंस आवृत्ति को बढ़ाया जाता है, तो करंट का मान। तो यहाँ पे एक अगर सीरीज रेजोनेंस परिपथ का वो बनाते हैं ग्राफ, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो उस टाइप से बनता है कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये मेरा ओमेगा, ओमेगा मतलब कि यहाँ पे मान रहा हूँ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है करंट। तो जब हम क्या करते हैं शुरुआत में ओमेगा को यहाँ से बढ़ाना चालू करते हैं, तो यहाँ से ओमेगा को बढ़ाने के से करंट का मान भी क्या होने लगता है, ऐसे बढ़ता चालू होता है। करंट का मान बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाता है, मैक्सिमम तक। तो ये हमारा क्या हो जाता है IM, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया IM। इसके बाद में जब इसको घटाना तो और ज़्यादा ओमेगा मान रहा, तो यहाँ से फिर क्या होता है करंट का मान घटना चालू हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि जब इसको करंट को अधिकतम मान तक पहुँचने के बाद भी हम रेजोनेंस आवृत्ति को बढ़ाते रहते हैं तो क्या हो जाता है, करंट का मान घटना चालू हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यहाँ जो ये मैक्सिमम मान है लेकिन हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है, किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट हमारा वो किस पे चलता है, RMS वैल्यू पे। मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा IM है उसको मैं मान लेता हूँ कि 1 है, तो इसका RMS वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.707, जो लगेगा कहाँ पे होगी, 0.707। यानी जब हम AC पीस को यूज करेंगे या जब भी हम इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं या हीटिंग के लिए, तो हमारी मेनली कौन सी चीज़ डिपेंड करती है, RMS वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे ये दो मार्क मिलेंगे, हो जाएगा W1 और इसको मैं बोल सकता हूँ W2 या ω1 या ω2। तो यहाँ पे जो ओमेगा वन और ओमेगा टू के बीच की दूरी होती है हमारी क्या कहलाती है, बैंड डेप्थ। यानी कि जब हम किसी भी सर्किट को इस ओमेगा वन और इस ओमेगा टू के बीच में चलाएंगे तभी वो हमारे एक रेजोनेंस सर्किट के जैसे कार्य करता है, और इसी को हम किसी भी उसके बैंड डेप्थ बोलते हैं। जैसे हमारा बैंड डेप्थ होता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का बैंड डेप्थ ये वो, तो ये सब बैंड डेप्थ यहीं से डिसाइड होते हैं कब तक वो सर्किट रेजोनेंस सर्किट रहता है। तो यहाँ से ये सर्किट W1 से W2 के बीच में रेजोनेंस सर्किट के जैसे व्यवहार करेगा, और जैसे हम इसकी फ्रिक्वेंसी को W1 से कम करते हैं या W2 से ज़्यादा लेके जाते हैं, तो यहाँ से ये सर्किट रेजोनेंस सर्किट ना हो गए किसी भी सर्किट में कन्वर्ट हो सकता है, या वो लीडिंग या लैगिंग या इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट बन जाता है। तो इस टाइप से हमारा क्या होता है, बैंड डेविट डिसाइड होती है। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट का करंट जब अधिकतम मान पर पहुंच जाता है, उसके बाद ही हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को डायरेक्ट बढ़ाते रहते हैं, तो वहाँ से क्या होता है करंट का मान घटना चालू हो जाता है। इसके बाद किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि को कहते हैं, तो ये मेनली क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होने वाली त्रुटि का टाइप होता है। मेनली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 टाइप की त्रुटि होती हैं, जिसको एक होता है अपना ग्रॉस एरर, एक होता है रैंडम एरर, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर,
और एक और हमारा होता है ग्रॉस रैंडम, और एक होता है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। तो रैंडम एरर में तो हमारा एक और आता है मेनली पैरालॉक्स एरर, और ग्रॉस एरर जो होता है वो कहलाता है मानवीय त्रुटि के कारण। इसके बाद सिस्टमेटिक एरर में वो एरर आते हैं जो क्या होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के बराबर के कारण जनरेट होते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर में भी तीन टाइप के एरर होते हैं। एक होता है अपना कौन सा इन्वायरमेंटल एरर, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव के कारण जो प्रभाव होते हैं। इसके बाद होता है अपना इंस्ट्रूमेंटल, यानी इंस्ट्रूमेंट की बनावट के कारण जो प्रभाव होते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक, इसके अलावा इसमें एक और एरर होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल मोटर में एसी सप्लाई देने पर, ग्रॉसर यूनिवर्सल मोटर में एसी सप्लाई देने पर उसके कम्यूटेशन अधिक होता है क्योंकि कम्यूटेटर कार्य करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब यूनिवर्सल मोटर को हम, यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर जिसको हम एसी और डीसी दोनों सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन जब इसको हम एसी सप्लाई देते हैं वहाँ पे क्यों ज़्यादा कम्यूटेशन अधिक होता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना होगा कम्यूटेशन होता क्या है। तो कम्यूटेशन के लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरा मान लेता हूँ ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर गोल होता है, मैंने इसको ऐसा फैला के ऐसा बना लिया है। तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस टाइप से, बहुत सारे कम्यूटर सेगमेंट होंगे। तो जब ये कम्यूटेटर को क्या होता है, ये ब्रश, जब ब्रश क्या करता है कम्यूटेटर सेगमेंट को यहाँ पे दो भागों में यहाँ पे करके कट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों सेगमेंट क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये शॉर्ट सर्किट होते हैं क्या होता है, एक अधिक मात्रा का करंट फ्लो होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इस करंट के कारण एक कई चिंगारी या स्पार्किंग जनरेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। और इस कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को कम करने को हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरपोल। कम्यूटेशन में नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक होता है रफ कम्यूटेशन और एक स्मूथ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन को कम करने के लिए हम इंटरपोल का यूज करते हैं, जबकि स्मूथ कम्यूटेशन को कम करने के लिए हम उसके जहाँ पर ये कम्यूटेटर आ कम्यूटेटर पर आकर जो सेगमेंट जुड़े उसको हम राइजर बोलते हैं, उस राइजर के पास हम क्या लगा लेते हैं, एक रेजिस्टेंस को लगा के रखते हैं, जिससे क्या होता है कम्यूटेशन कम हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये डीसी यूनिवर्सल मोटर में एक सप्लाई देने पर सारे कम्यूटेटर अधिक क्यों होते हैं। क्योंकि जैसे देखो, जब मैं यूनिवर्सल मोटर है, मैं मान लेता हूँ यूनिवर्सल मोटर का रोटर है और इसके ऊपर मैंने ये स्टेटर लगा के रखा है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे कार्य कर सकती है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल मोटर है, और यहाँ से इसको ये उसके फील्ड पे सप्लाई जाती है, और ये फील्ड की सप्लाई ऐसे जोड़कर इसके दूसरे पोल पर जुड़ी होती है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे सप्लाई देता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक इंडक्शन होता है। इस इंडक्शन के कारण क्या होता है, इसमें एक ट्रांसफार्मर एक्शन चलता है। देखो ट्रांसफार्मर भी क्या होता है कि एक ऐसी सप्लाई होती है, बीच के अंदर एक कोर होती है, उससे फ्लक्स, यानी फ्लक्स जैसे यहाँ पे सप्लाई जाएगी तो फ्लक्स लिंक करेगा। इस लिंक के चेंजेस कारण क्या होगा, स्टेटर को भी कट करेगा, और स्टेटर में ईएमएफ में स्टेटर में भी क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट होता है, जिससे क्या होता है इस मोटर पे एक घूर्णन बल लगता है। और यही ऐसे ही हमारे कटो ट्रांसफार्मर होता है कि इसका जो प्राइमरी का ईएमएफ वो सेकेंडरी को कट करता है, और क्या होता है वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होता है जिससे हम वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर क्या होता है, तो इसी टाइप से हमारे ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और वही एक्शन यहाँ पे क्या हो जाती है हमारे यहाँ पे होती है कि ये कम्यूटेटर है, अगर यहाँ पे ये कम्यूटेटर है और ये कम्यूटेटर के दो सेगमेंट क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं। जैसे ही इस कम्यूटेटर के दो सेगमेंट शॉर्ट सर्किट होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अब ये कैसा वर्क करेगी हमारे यूनिवर्सल मोटर एज अ ट्रांसफार्मर के जैसे, ट्रांसफार्मर को हमने क्या किया, अगर कम्यूटेटर उसकी सेकेंडरी के जैसे था, अब यहाँ पे हमारा क्या शॉर्ट हो रहा है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है वहाँ पे एक बहुत अधिक मात्रा का करंट फ्लो हो रहा है। तो उसी का आंसर यही होगा कि यूनिवर्सल मोटर को एसी सप्लाई देने पर उसमें कम्यूटेशन अधिक होता है, क्योंकि कम्यूटेटर कार्य करता है शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के जैसे। इसके बाद है अगला, किसी कंडक्टर के लिए श्रांति काल कहलाता है। तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में कैसे बनता है। इसकी वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ पे जाकर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं, और वहाँ पर आप इस चीज़ को डिटेल में समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा कि ये कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर अंदर क्या होंगे, बहुत सारे होल्स, मतलब कि मैं यहाँ पे इसको होल्स ना बोल के प्रोटॉन्स बोल रहा हूँ, और इसके अंदर बहुत सारे क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यानी यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब मैं क्या करता हूँ, इसके अक्रॉस एक ईएमएफ अप्लाई करता हूँ, या ईएमएफ या वोल्टेज लगाता हूँ, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल, जिस कारण क्या होता है, इसे धनात्मक आवेश से टकराते हो, इन्हीं की वजह से क्या होता है, इसके वेग में कमी आती है और प्रतिरोध जनरेट होता है। और जैसे ही ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर इसे टकराता है और वापस आता है, तो इसके बीच में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। श्रांति काल को हम किसको दर्शाते हैं, टाउ से। और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है, टाउ 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 क्या होने लगता है, घटने लगता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराते हैं और टाउ के घटने का क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप डिटेल में हमारे उस वीडियो में समझ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, किसी इलेक्ट्रॉन के दो धनात्मक आवेश से टक्कर का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शांति काल या रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसके बाद अगला 14 क्वेश्चन है, ये वापस हमारा सिंगल फेजिंग से है कि यदि किसी मोटर में
50% से अधिक लोड है तो उस स्थिति में सिंगल फ्यूजिंग होती है। तो मैंने अभी भी बताया था कि यदि मोटर पर 50% से कम लोड है तो मोटर क्या होती है, चलती रहेगी, और 50% से अधिक लोड है लोडिंग कंडीशन तो क्या होता है, मोटर जल जाएगी। तो यहाँ पे चौड़ा का सही आंसर क्या हो जाएगा, मोटर जल जाएगी। इसके बाद हम आता है कि नॉर्टन थ्योरम में, जब भी हम क्या करते हैं नॉर्टन थ्योरम में, जैसे एक होता है थेवनिन थ्योरम, तो थेवनिन थ्योरम में जब भी हम क्या करते हैं इक्विवेलेंट करंट निकालते हैं। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा सर्किट बना देता हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक वोल्टेज लगा हुआ है या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे प्लस और माइनस, और इसके बाद जैसे एक और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के साथ एक करंट सोर्स लगा हुआ है। तो जब क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे लोड के पास में यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ एक लोड है जिसके कारण मुझे क्या निकालना है, नॉर्टन करंट निकालना है। तो जब भी हम यहाँ पे नॉर्टन करंट को निकालने की कोशिश करते हो तो हम क्या क्या करता हूँ, इस लोड को जो है वो शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। जैसे ही लोड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक करंट फ्लो जिसको हम आई एन एंड नॉर्टन करंट बोलते हैं। तो वही है कि नॉर्टन थ्योरम में लोड को क्या किया जाता है, तो लोड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को हमेशा ओपन सर्किट और करंट सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट करते हैं, एज अ थेवेनिन रेजिस्टेंस हो या थेवेनिन प्रमेय हो या यहाँ पे थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने की बात हो या नॉर्टन थ्योरम हो, तो हमेशा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स क्या हो जाता है, वोल्टेज सोर्स ओपन सर्किट और करंट सोर्स हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है। इसके बाद जो होता है कॉपर के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी होगी कि कॉपर के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कितना होता है, 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से मैं बता दूंगा प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, यानी किसी भी रेजिस्ट कंडक्टर के लिए जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे 0.0115 वैल्यू ये हमारी होती है किसके लिए, मैंगनीन के लिए, और इसके बाद हमारा 0.020 है ये आपका होता है कॉन्स्टेंसन के लिए, कॉन्स्टेंसन के लिए, और 0.04 होता है वो किसके लिए हो जाता है अपना, कॉपर के लिए। तो ये वैल्यू आप याद रख लीजिए, ये कभी कभी आपको पूछी भी जा सकती है। इसलिए हम मैंगनीन का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वो लगभग कॉन्स्टेंट बनाते हैं, क्योंकि जब हम इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस वो 0.00015 के बराबर बढ़ेगा, 15 ओम बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इसका लगभग जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट या रेजिस्टेंस बढ़ने से हो जाएगा कॉन्स्टेंट, यानी इस पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी भी लॉजिक गेट के इनपुट को हाई करने पर, दोनों इनपुट को हाई करने पर उसके आउटपुट हाई हो जाता है, इस टाइप का लॉजिक गेट क्या होगा। तो यहाँ पे मैनली देखो नैंड गेट है, यदि मैं नैंड गेट के दोनों इनपुट को, यदि मैं नैंड गेट की टेबल बना लूँ, तो नैंड गेट में क्या होता है कि ये एंड का पूरा पूरा उल्टा होता है। सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सीधा सीधा एक कुछ वैल्यू लिख लीजिए, 1 0 0 0 0 1 1 1। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले मानता हूँ मैं किसकी टेबल बना रहा हूँ, नैंड गेट की, मैं ऊपर नैंड लिख देता हूँ। तो इस नैंड गेट की टेबल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, कि 0 0 देने पे हमको क्या मिलता है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको टेबल ऑलरेडी याद होनी चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि मैं टेबल बनाने की ये ट्रिक बताऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा जिससे आपको हर एक नॉट गेट गेट की टेबल आसानी से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है एंड गेट, तो एंड गेट में क्या होता है, अगर हम दोनों को एंड गेट में आउटपुट तभी आई होता है जब दोनों इनपुट क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिसका पूछा गया है एंड गेट की टेबल, मैं टेबल बनाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 और 0। इसके बाद अगर इसके बाजू से मैं क्या करता हूँ एक और टेबल बना, तो वो भी किसकी, अब इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे अगर मैं किसकी टेबल बनाऊँ, ठीक, इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि नॉट गेट, तो नॉट गेट तो यहाँ पे आंसर हो नहीं सकता क्योंकि नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है नॉट गेट, ठीक। तो नॉट गेट में हमारा एक ही इनपुट होता है जिसमें 0 देने पर 1 या 1 देने पर 0 मिलता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं हमारे पास, कौन से, और या एंड गेट, और गेट और एंड गेट। तो यहाँ पे मैं ये कन्फ्यूजन की बात यह है कि ये जो कंडीशन वो दोनों में लगती है, तो यहाँ पे मैं आंसर एंड गेट क्यों लगाऊंगा। सबसे पहले मैं उसके लिए और गेट और एंड गेट की टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं और गेट की टेबल बनाता हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और गेट में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कोई भी एक इनपुट हाई होने पर हमको आउटपुट हाई मिल जाता है, यानी कि 1 1, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 होगा, ये 1 1 1। तो यहाँ पे दोनों इनपुट हाई होने पर 1 मिलता है। और इस टाइप से अगर मैं क्या करता हूँ एंड गेट की टेबल बनाता हूँ, तो एंड गेट की टेबल में मुझे क्या मिलेगा कि जब दोनों इनपुट, एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट भी मेरा क्या मान लेता हूँ, मैं 0 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 देने पे भी 0 मिलेगा, 0 1 पे भी हमको 0 मिलेगा, 1 0 पे भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, लेकिन हमें आउटपुट का मिलेगा 1 और 1 पे। तो यहाँ पे आपको देखना वही कॉमन कंडीशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे लिए क्या है कि ये 0 0 देने पे यहाँ पे 1 मेरे को कई कंडीशन में मिल रहा है, 0 1 पे 1 मिल जाता है, और गेट पे 1 0 पे 1 मिल जाता है, 1 1 पे 1 मिल जाता है। लेकिन एंड गेट में क्या होता है, यहाँ पे केवल एक ही कंडीशन है कि जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो इसका जो सही आंसर वो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंड गेट, नहीं कि और गेट। ये कंडीशन दोनों में लग रही है लेकिन हमें यहाँ पे एक कॉमन चीज ढूंढनी होती है जो केवल एक ही गेट में अप्लाई हो। इसके बाद हमारे पास ही काउंटर को किस फ्लिप फ्लॉप की सहायता से बनाया जाता है, तो काउंटर को हम किसके फ्लिप फ्लॉप की सहायता से बनाते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप की, और टी फ्लिप फ्लॉप किसकी सहायता से बनता है, जेके फ्लिप फ्लॉप की सहायता से। और जेके फ्लिप फ्लॉप को हम क्या करते हैं, यदि इसके
जैसे मैंने अभी डी फ्लिप फ्लॉप बनाना बनाया था, हम जेके फ्लिप फ्लॉप से ही टी फ्लिप फ्लॉप को बनाते हैं। मैं मान लेता हूँ कि मेरा जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो यदि मैं इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक जे टर्मिनल एक के टर्मिनल, यहाँ पर हमको मिलता है क्यू और नीचे हमको मिल जाता है, यहाँ मैं Q1+1 ले लेता हूँ, यहाँ पर मेरे को क्यू आर मिल जाएगा। यानी जो भी इनपुट यहाँ आएगा उसका जो इनवर्ट होता है मेरे को क्या मिलता है, नीचे मिलता है। तो अगर मैं इसको क्या कहता हूँ, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, टी फ्लिप फ्लॉप। इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो काउंटर को किसकी सहायता से बनाते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप की सहायता से, और रजिस्टर को हम किसकी सहायता से बनाते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप की सहायता से। तो वापस मेरा 90 क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, जिसमें लिखा है कि मैंगनीन का प्रतिशोध ताप गुणांक कैसे होता है। तो इसका जो प्रतिशोध ताप गुणांक होता है 0.0015 होता है। मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है वो किसका होता है, 0.015 जो होता है हमारा मैंगनीन के लिए है, और 0.02 हमारा किसके लिए है, कॉन्स्टेंसन के लिए है, और 0.04 किसके लिए है, कॉपर के लिए है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि 0.015 मैंगन के लिए, 0.020 कॉन्स्टेंसन के लिए, और 0.004 कॉपर के लिए होता है। इसके बाद हमारा फिर से आया है कि 20 क्वेश्चन है कि 101 और 10011 का बाइनरी जोड़ क्या होगा। तो मैं इसको यहाँ पे इसी तरीके से सॉल्व करूंगा, सबसे पहले जैसे मैंने इसको पहले भी किया था एक क्वेश्चन, जैसे मेरे को दोनों नंबर का इंटू करना था, सबसे पहले मैं करता हूँ 10011 का क्या करूँगा, मैं बाइनरी नंबर निकालूंगा इसका, जो बाइनरी नंबर आएगा यानी सॉरी डेसिमल नंबर निकालूंगा। तो डेसिमल नंबर मैं कैसे निकालूंगा, 1, 2, 4, 8 और 16, इसको आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं मेरे एक और वीडियो पर। तो इसका बाइन नंबर क्या हो जाएगा, जिसके नीचे 1 1 लिखा उसको केवल मेरे को जोड़ना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 10, ठीक, 8 2 10, तो 16 और कितना हो जाएगा, 26, और एक क्या हो जाएगा, 27। तो इसका जो डेसिमल नंबर है वो क्या होगा, 27 होगा। इसके बाद इसके नीचे एक और नंबर दिया है, वो क्या है, 10011, इन दोनों को मेरे को जोड़ना रहता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, 10011, इसके पहले हम इसको चेंज करते हैं किसका अगला डेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट होगा। तो पहले का डेसिमल नंबर मेरा क्या आया था, 27। अब मैं क्या करूँगा, इसको 10 यानी सेकंड नंबर को कन्वर्ट करूँगा, तो 10011, ये बीच में एक और 0 है, 10011। तो यहाँ पे वापस मैं क्या करूँगा, 1 2 4 8 और 16 लिखूंगा। तो यहाँ पे वापस मैं इनको जोड़ूंगा, तो इसका जो बाइनरी नंबर हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 16 और 2 और 1 3 19। तो 27 और 19 जोड़ने पर पास क्या आएगा, 9 7 16 6 2 2 4, यानी क्या आएगा, 46। अब मैं क्या सबका मेरा जो इन दोनों को डेसिमल नंबर जोड़े 46 आ रहा है। अगर 46 को भावी में कन्वर्ट कर दो, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दो, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो 46 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप यहाँ पे 1 2 4 8 16 और 32 लिख दें। जैसे ही मैं 1 2 4 8 16 32 लिखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि किन 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 कॉम्बिनेशन को मेरे को जोड़ने पर क्या मिलता है, 146 मिलता है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि 32 और 8 हो जाएगा 40, और 4 और 2 क्या हो जाएगा, 46। बचे नंबर नीचे क्या लिख दूंगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10111110। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड आंसर सही होगा, 10110। इस टाइप से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, तो प्लीज़, और आप बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे टेस्ट नीचे लिंक पर नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेस्ट की लिंक दे दूंगा, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, और टेस्ट देने के बाद आप इसके आंसर की को प्रिंट भी कर सकते हैं, और इस पूरे आंसर की को आप एक PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।